today is a big day. So happy Independence Day to all of you. इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के अलावा आजकल हम और भी बहुत से दिन सेलिब्रेट करने लग गए हैं, जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे. अच्छी बात है, ज़िंदगी की हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए. और जब भी कोई ऐसा दिन आता है तो फ़ोन की गैलरी मैसेजेस के साथ भर जाती है, जिसे अगले ही दिन बैठ के हम डिलीट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों के मायने सिर्फ एक मैसेज से समझ नहीं आते. इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे पे शहीदों को सलामी दे के और झंडा फहरा के अगले ही दिन हम भूल जाते हैं कि ये आज़ादी हमें किस तरह से मिली है, और शुरू हो जाते हैं धर्म, जाति और मज़हब के नाम पे दंगे. पॉलिटिशियंस को तो वोट बैंक चाहिए और वो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन उन धर्मों के लिए जिनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. इतने सारे इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में, लेकिन हमारी सुई एक ही जगह पर अटकी रहती है. नेशनल हीरोज़ सरहद पर रोज़ शहीद होते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता. अपने देश में अपनी ही बेटियां सुरक्षित नहीं, रेपिस्ट खुलेआम घूमता है. देश बनेगा डिजिटल इंडिया, जहां लाखों लोग आज भी भूखे सोते हैं. क्यों? क्योंकि करप्शन का पूरा जाल फैला हुआ है. बहुत शर्मसार करती हैं ये चीज़ें. तो ये हैं इश्यूज़. अगर विचार करना है तो इन पे करना चाहिए, ना कि उन पे जिनसे तरक्की के रास्ते ही बंद हो जाएं. इतना सुंदर देश है हमारा, कभी इसे सोने की चिड़िया भी कहते थे, पर लड़ झगड़ के कहीं उन वीरों की कुर्बानियों को ज़ाया ना कर दें. सो रिस्पेक्ट एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. और इंडिपेंडेंस डे के दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहने के साथ साथ एक ऐसा मैसेज कन्वे करें सबको, जिसे कभी कोई अपनी गैलरी से डिलीट ना करना चाहे. सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद. मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद